हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे थाई करी। इसमें मैं ऑयल का यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक पैन लिया, उसे ग्रीस किया, उसमें थोड़ा सा कोकोनट मिल्क डाला। मैंने ये स्पाइस मसाला बनाया था, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डिटेल्स डाल दूँगी। इसको मैं इसमें डालूँ, अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब इस मसाले को हम 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे कुक होने देंगे। इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है, इसको हम सिमर होने के लिए 2 से 3 मिनट तक छोड़ देंगे। मसाले यहाँ पे हमारे 2 मिनट तक सिमर हो गए हैं। इसमें हम कलर के लिए एकदम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, तो अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब हमारे पास जो बचा हुआ कोकोनट मिल्क था वो हम इसमें सारा डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मुझे ग्रेवी की कंसिस्टेंसी ठीक लग रही है और मेरे पास अभी कोकोनट मिल्क इतना ही था, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी का यूज़ करूँगी। मैं यहाँ पे लगभग आधा कप पानी इसमें डाल रही हूँ। इसको डालकर अब हम इसको अच्छी तरीके से बिल्कुल मिक्स कर देंगे। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर दिए हैं। इसमें जैसे ही उबाल आएगा इसमें हम आप अपनी पसंद की सब्ज़ियाँ डाल दें, जो भी सब्ज़ी यूज़ करनी हो। मैंने ब्रोकली, बेबी कॉर्न और गाजर का यूज़ किया है। अब हम इसको ढक देते हैं और एक उबाल आने का वेट करेंगे। ग्रेवी में एक उबाल आ गया है, अब हम इसमें अपनी पसंद की कटी हुई सब्ज़ियों का यूज़ करेंगे। तो सब्जियाँ हम इसमें डाल देंगे, इसको अच्छी तरीके से मिला देंगे, फ्लेम को लो कर देंगे और इसको हम लगभग 5 मिनट तक सिमर होने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट हो गया है, अब हम इसका लिड खोलेंगे। ग्रेवी भी हमारी थिक हो चुकी है। अगर आपको इससे भी थिक ग्रेवी चाहिए तो आप फ्लेम को थोड़ा हाई करें और इसको बिना कवर किए और 2 मिनट तक पकने दें। तो मुझे मेरी ग्रेवी थोड़ी सी पतली लग रही है, तो मैं यहाँ पे फ्लेम को हाई करके इसको और 2 मिनट तक पकने दूंगी। इसे मैंने 2 मिनट तक और हाई फ्लेम पे रहने दिया। ग्रेवी अब हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। इस स्टेज पे हम इसको बंद करेंगे और इसको गरम गरम स्टीम राइस के साथ सर्व करेंगे। और ये रहा हमारा बहुत ही टेस्टी थाई करी बनके तैयार है। इसको स्टीम राइस के साथ सर्व करें।